देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में जो प्रदेश के ऊपर के जिले हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, इन इलाकों में जो है स्नोफॉल हो रहा है अभी। और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, हल्का स्नोफॉल वहां पे हुआ है। और गोंडला में सबसे ज्यादा, सॉरी, हंसा में सबसे ज्यादा 5। और आज जो है इसमें कुछ आज थोड़ा बढ़ेगा एक्टिविटी। और जो प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं, जिसमें जिला चंबा, सॉरी, जिला चंबा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू, मंडी के कुछ ऊपर के एरिया, शिमला, कांगड़ा, इन इलाकों में भी जो है लाइट टू मॉडरेट जो है बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और जो प्लेन्स के लिए वहां पे भी क्लाउड्स रह सकते हैं, और हो सकता है कि एक दो जगह पे जो है हल्की बारिश हो सकती है। तो कल आज ये रात तक जो है थोड़ा सा पड़ेगा, और कल भी रहेगा। फिर उसके बाद 2 दिन जो है 21 और 22 में फिर कमी आएगी। फिर एक दो जगह पे हायर रीचेज पे मौसम खराब रहेगा। फिर 23 तारीख से फिर से जो है, जैसे पहले हमने प्रेडिक्ट किया था, एक पश्चिमी विक्षोभ काफी एक्टिव अफेक्ट करेगा प्रदेश में। तो उससे जो है 23 से 26-27 तक जो है मौसम खराब रहेगा। और उसमें जो पीक इंटेंसिटी है, जो कि जिसमें जो हैवी स्नोफॉल और रेनफॉल की संभावना है, वो रहेगा 24 और 25 जनवरी को। तो उसमें जो संभावना ये भी कि शिमला शहर में भी अच्छी बर्फबारी जो है उन दिनों में देखना। टेम्परेचर जो है, क्योंकि पीछे जो है शिमला का टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन ग्रेजुअली जब क्लाउड्स मूव कर रहे हैं इस एरिया में, तो जो मिनिमम टेम्परेचर वो बढ़ रहे हैं, और 5 डिग्री जो है शिमला का तापमान है। और जो है केलोर का सबसे लोएस्ट है, -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ऊना का जो है सबसे ज्यादा है। अब जो है आने वाले दिनों में जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ अगले दिनों आ रहा है, तो उससे बढ़ेंगे, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें कमी आएगी। तो शीतलहर जो है अगले जो है 1 वीक टाइम में जरूर जो प्रदेश में देखने को मिलेगी। देखिए, ये है कि बर्फबारी जैसे आज से भी, आज कल, आज शाम से कल भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। उसमें जैसे मैंने कहा कि प्रदेश के ऊपरी हिस्से और कुछ निचले क्षेत्र भी, जिसमें मंडी के ऊपर के हिस्से, कांगड़ा है, और शिमला के ऊपरी हिस्से, इसमें 48 आवर्स में संभावना है कि यहाँ भी बर्फबारी कुछ देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो अगला स्पेल आएगा वो अच्छा स्पेल है, उसमें भी सैलानियों को जो है बर्फबारी जो है, जो भी जहाँ बर्फबारी होती है वहां ठीक बर्फबारी, और बाकी मैदानी इलाकों में बर्फबारी। और अभी देखिए ऐसा है कि अभी तो फॉग है नीचे, बिलासपुर मंडी में यूजली फॉग होता है, अभी लिफ्ट करेगा, क्योंकि क्लाउड जैसे आएंगे अगले 2 दिनों में लिफ्ट करेगा। उसके बाद फिर फॉग कुछ रहेगा 2 दिन, और 23 के बाद फिर जैसे अगला स्पेल आएगा तो फिर फॉग लिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि क्लाउड्स में फॉग ऊपर चली जाती है। तो विजिबिलिटी का सीन तो तभी रहेगा जब स्नोफॉल के बाद इमीडिएट, कई बार ये होता है कि फॉग आता है या पहले फॉग आता है, वो जो है हमें हिली एरियाज में रहेगा, लेकिन प्लेन्स में फॉग से निजात मिल जाएगा। कारण ये होता है कि जैसे स्नोफॉल होता है हाई रिचीज पे, उससे टेम्परेचर डिप करते हैं, नीचे हवाएं आती है ठंडी, लेकिन इस साल स्नोफॉल बहुत लेट हुआ। आपने देखा दिसंबर पूरा ड्राई गया, अभी जनवरी भी एंड में आप देख रहे हैं कि अच्छे स्नोफॉल की संभावना है। तो एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसका प्राइम रीजन है, मुख्य कारण है, जिसे टेम्परेचर कम नहीं हुए, पाला भी कम हुआ, और सर्दी भी हमें फील हो रहा है कि काफी लेट है।